अब मैं क्या करूँ, हमारा घर सड़क पे है। 700 रुपए इस स्वेटर के, और ये स्वेटर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का है, सिर्फ 100 रुपए का। नो कंप्लेंट्स एट 300 रुपीज, इट्स अ ग्रेट। बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज मैं ये एक हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ, नॉट प्रॉपर हॉल वीडियो, डिटेलिंग नहीं होगी, बट मैं आपको कपड़ा और उसकी क्वालिटी बता दूँ। और शॉप्स मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी अपने सरोजनी अग्रवाल व्लॉग में ऑलरेडी बता रखी है, तो आप प्लीज जाके उसको देख ले जिसने भी नहीं देखा। तो ये मेरी मम्मी से आप मिल लो, ये मेरा व्लॉग देख रही है, इतनी लेट मेरा व्लॉग देख रही है। आज ये बेचारी कहीं गई हुई थी इसलिए इसको माफ कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, देख लो माता। तो जिन जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है कि मेरा व्लॉग कब आता है, तो उनको मैं बता दूं, मेरा व्लॉग हर अल्टरनेट डे शाम को 4 बजे आता है। तो अगर आपके पास YouTube की नोटिफिकेशन नहीं आती है, फिर भी आप अपना YouTube खोल के मेरा चैनल सर्च करके अक्षी किरार व्लॉग्स मेरा कोई भी नया व्लॉग देख सकते हो। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना, और ये व्लॉग भी अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी पहले लाइक कर दो और पहले ही इसको सब्सक्राइब कर दो। तो हम शुरू करते हैं अपना सरोजनी नगर हॉल। तो वैसे जिन जिन लोगों को भी नहीं पता है, मैं सरोजनी नगर से 2 बड़े बड़े बैग भर के सामान लेके आई थी, ऑल्दो इसमें मेरा भी सामान है और बाकी मेरे माँ बाप का भी कितना सामान है, एक आधा ही सामान है वैसे इनका, बाकी सारा का सारा मेरा है। तो फटाफट पहले इसको खोलती हूँ। तो गाइस पहला बैग खुलने जा रहा है और इसमें है इतना सारा सामान, और अब है दूसरे बैग की बारी, इतना सारा सामान इसमें भी, और हर थैली में अलग अलग सामान है गाइस। तो अब खोलनी है मुझे थैलियां। तो गाइस मैंने सारा सामान खोल लिया, तो ये देखो गठरी, इतना सारा सामान निकला है इसमें से। और एक बहुत अच्छी बात गाइस ये भी हुई, ये मेरी मम्मी की हंसी नहीं रुक रही, हंस ले, पहले तू हंस ले, मैं व्लॉग बाद में बना लूंगी, हंस ले हंस ले। ये जब मैं व्लॉग बना रही थी, शूट कर रही थी, हंसती रहती है। अब मैं क्या करूं, हमारा घर सड़क पे है। गाइस जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ वैसे कोई निकल जाता है, पी वाले पागल, गली बंद करवाओ, ये गली बंद करवाओ, व्लॉगर रहता है यहाँ पे, यूट्यूबर। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा हुआ हम लोग सरोजनी नगर चले गए थे। तो गाइस दिल्ली में सर्दियों की स्टार्टिंग हो गई है, हम लोग स्वेटर पहन रहे, तो अच्छा हुआ हम लोग पहले ही सरोजनी नगर से शॉपिंग कर लाए थे। तो गाइस सबसे पहला है ये वाला स्वेटर, ये आपने मेरी मम्मी को पहने हुए ऑलरेडी देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा व्लॉग दोबारा देख लो जाके सरोजनी नगर व्लॉग में, मेरी मम्मी ने ऑलरेडी ये ट्राई करके लिया था। तो ये वाला स्वेटर था 150 रुपए का, मैं अपना ग्रीन वाला स्वेटर ले रही थी, कहाँ गया, मैं अपना ये वाला स्वेटर ले रही थी, तो भैया ने बार्गेन करते करते ये वाला स्वेटर मम्मी को दे दिया। पहले भैया 300 रुपए बोल रहे थे, नहीं हाँ 700 रुपए, 700 रुपए इस स्वेटर के, 700 रुपए बोल रहे थे, और करते 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 हम जाने लगे क्योंकि हम वैसे भी ये लेने नहीं वाले थे, तो ये 150 रुपए का भैया ने दे दिया जबरदस्ती। तो ये मेरी मम्मी का है, तो ये इसको खाएगा। अब बारी है मेरे ये वाले स्वेटर की, ये स्वेटर नहीं है, ये एक्चुअली हुडी है, और इसका फैब्रिक गाइस बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। और ये वाला हमने लिया था 250 रुपए में, और 250 रुपए में ये बहुत ही अच्छा हुडी है, टैग इस पे ओनली का लगा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल ओनली का पीस है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। तो 250 रुपए में इट्स नॉट अ बैड डील, और ये बिल्कुल भी यूज्ड माल नहीं लग रहा है, ये एकदम फ्रेश है, फ्रेश वाले पीस में से था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अभी इसको ट्राई करके आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊं। गाइस पहन के ये इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लग रही है, मतलब जितनी पहले लग रही थी और अभी पहन के इतनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो आप ये डिटेलिंग देख लो, अभी मैंने ये वाली जीन्स पहनी हुई है इसके साथ, बट इस जीन्स के साथ भी अच्छी लग रही है, और आई थिंक ये ब्लैक जीन्स के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, और यहाँ पे ये आपको कैप भी मिल जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट मेरा स्वेटर है ये वाला, वैसे ये थोड़ा सा शॉर्ट आ गया, मुझे लगा था कि इतना शॉर्ट नहीं होगा, बट ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, बट मैं इसको पैंट्स के साथ चला लूंगी, बट ऑल इन ऑल ये स्वेटर अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा मुझे, और सॉफ्ट भी है, ये सारा यूज वाले में से नहीं लग रहा है मुझे, ये फ्रेश वाले में से ही है, बट ओवरऑल लुक जो है इस स्वेटर का बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल स्वेटर है, और इसमें कोई टैग आज सच लगा नहीं है, तो ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, मैं नेक्स्ट ट्राई करके बताती हूँ। नेक्स्ट मेरा स्वेटर है ये वाला, ये मेरा एक्चुअली कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और ये स्वेटर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का है, सिर्फ 100 रुपए का। ये मैंने लिया था गेट नंबर 1 वाले, जो सामने भैया बैठे थे,
गेट नंबर वन एंट्रेंस वाले जो भैया बैठे थे सामने, उन्हीं से मैंने लिया था ये 100 रुपए का, और एक कोट भी लिया था, वो मैं आपको अभी पहन के दिखाती हूँ। उसमें भी कोई टैग नहीं लगा है, बट इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, और पहन के ये बहुत अच्छा लग रहा है। जीन्स के साथ भी आप वेयर कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट है, मैंने ये ब्लेजर लिया था 300 रुपए का, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे बस थोड़ी बहुत फिटिंग इसकी करानी पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा टाइट कराना पड़ेगा और थोड़ी सी बाजू यहाँ से छोटी करानी पड़ेगी, तो वो तो किसी भी टेलर से आप करा सकते हो। बट 300 रुपीज में इट्स नॉट अ बैड डील। इसके ऊपर भी कोई टैग नहीं लगा है, तो ये किसी ब्रांड का है नहीं, मतलब नो कम्प्लेंट्स एट 300 रुपीज, इट्स अ ग्रेट डील। तो एक मुझे कमेंट भी आया था कि मैंने ये कोट कहाँ से लिया था, ब्लेजर वाली दुकान कहाँ पे है, तो वो शॉप नंबर 88 जहाँ से मैंने बेल्ट खरीदी थी उसके जस्ट सामने ही एक, मतलब आमने सामने आप देख लोगे ना एक दो दुकान है, उसी में से एक है। उसके पास जैकेट्स भी है, कोट अंदर जाओगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोट्स उसके पास मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे ब्लेजर्स, और भी अच्छे अच्छे प्रिंटेड ब्लेजर्स भी उसके पास बहुत अच्छे थे, तो आप वहां से जाके ट्राई कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट मेरी एक शर्ट है ये मेरी, और ये वुलन फैब्रिक में है, और ये भी एकदम फ्रेश पीस है। ये मैंने पैंट जिससे ली थी उसी भैया से लिया था। ये वाले भैया थे शॉप नंबर A2 के एकदम जस्ट सामने, किन्स का शोरूम है, किन्स के शोरूम के जस्ट साथ में ये भैया की दुकान है, और इनसे बहुत अच्छे अच्छे पैंट्स भी आपको मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे शूट भी किया था, सरोजनी नगर वाले ब्लॉग में जाके देख लेना। और ये वाली शर्ट मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, ये वाला मुझे ऑलरेडी भी चाहिए था, बट ये इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है और ये फ्रेश का पीस है, तो इसलिए ये मुझे 400 रुपए का मिला था, और भैया ये बोल रहे थे करीबन 1000-1100 रुपए का, बट करते करते वो 400 रुपए पे आ गए थे। और ये बहुत मतलब घुटने तक है, तो लंबी काफी है, आपको अच्छी लगेगी। So guys, next है ये हमारा ब्लेजर, ये मैंने ब्लेजर लिया है, विंटर ब्लेजर है ये, और ये काफी गर्म है, मेरे को 2 मिनट हो गए इसको पहने हुए और काफी गर्म लग रहा है। तो ये एक सच में सरोजनी नगर स्टील डील है, ये 100 रुपए का हमें मिल गया था, और जैसे ही मैंने देखा इसको झपट लिया, इसको बहुत लोग लेने के लिए वहां पे खड़े थे, बट हम लोगों ने ले लिया था। और 100 रुपए में इसका फैब्रिक जूट वाला काइंड ऑफ फैब्रिक है इसका, और बहुत ही अच्छा ब्लेजर है, और बहुत ही अच्छे फिट भी है इसको, मुझे कुछ भी फिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस ऑलमोस्ट सारा मैंने वेयर कर लिया है, बट बाकी 2-3 चीजें और रहती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो है ये शॉल्स, ये शॉल्स मुझे अच्छी लगी थी बहुत ज्यादा, ये 150-150 रुपए की है, तो हमने 3 ले ली थी, ये वाली उसने 100 रुपीज में दी थी। और साथ में मेरा ये प्लाजो है फ्लेयर्स वाला, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले ही, तो ये था 150 रुपए का। तो लास्ट मैंने एक ये ट्राउजर देखा था जो कि बहुत ही अच्छा था, 300 रुपए का, A2 वाली दुकान के जैसे सामने भैया है जिससे मैंने वो शर्ट भी ली थी और ये ट्राउजर भी लिया था। तो यही है मेरा सरोजनी नगर का कलेक्शन। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई गॉट दिस क्यूट पराडा का गॉगल्स, ये मुझे पड़ा था 150 रुपए का शायद, या पता नहीं 100 रुपए का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मम्मी ने बार्गेन किया था। आई मस्ट से इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है, एकदम अच्छी क्वालिटी का पीस है ये, आप देख सकते हो इस पे यहाँ पे पराडा लिखा है, मैंने PRADA तो मैंने मिटा दिया था, अब ये PRA बच गया, इसको भी मैं मिटा दूंगी थिनर से, और एक यहाँ पे भी पराडा लिखा हुआ है, इसको भी मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 3-3 जगह से मिटाना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर माई टूडेज हॉल वीडियो। तो ये पीछे खलेरा पड़ा हुआ है, मैंने सारा खलेरा बचा दिया, अब इसको धोने के लिए डालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, मेरे को बहुत लोगों का कॉमेंट आ रहा है कि साइकिल वाला व्लॉग डालने के लिए, तो साइकिल वाला व्लॉग मैं आपको बता दूँ कि जल्दी आएगा, थोड़ा सा पोल्यूशन दिल्ली में से कम होने दो, मैं जल्दी जल्दी से व्लॉग डाल दूंगी, बट अभी थोड़ा सा वेट आपको लगेगा क्योंकि दिल्ली में अभी पॉल्यूशन ज्यादा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ, अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और देखना मत भूलिएगा मेरा न्यू व्लॉग एवरी ऑल्टरनेट डे एट 4 PM। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय।